और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 15 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 15 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई जाती है, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस और 1 नवंबर को किस किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी हमने ट्रिक देखी थी, पके आम पे यूपी का हक। ठीक है, पके आम पे यूपी का हक, पी फॉर पंजाब, के फॉर केरल, आम फॉर आंध्र प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, और ह से हरियाणा और क से कर्नाटका। तो ये कितने राज्य हो गए दोस्तों? 6 राज्य हो गए। ठीक है, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटका, और एक हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। तो ये 8 राज्यों का जो स्थापना दिवस है दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। तो आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस 18 सितंबर से भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस से लेकर 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश में जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, लोक कला, जीवन मूल्य तथा उनके समग्र विकास के लिए अभियान चलाकर कार्य किया जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये जननायक बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातीय कला, संस्कृति, जीवन शैली, मिथकों, मान्यताओं, रीति रिवाज आदि पर केंद्रित कई संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। इन संग्रहालयों में जनजाति संग्रहालय भोपाल, ठीक है, ये MPPSC 2020 में पूछा भी गया था कि हमारे मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा में है। राजा शंकर शाह संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। रानी कमलापति महल कहाँ पर है? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो हबीबगंज स्टेशन है हमारे मध्य प्रदेश का, तो उसका नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों आज इसका लोकार्पण जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। टंटिया भील संग्रहालय है, ये कहाँ पर है? ये ग्राम बड़ौदा अहिर में जिला खंडवा में स्थित है। शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र कहाँ पर है? ये ग्राम धावा बावड़ी जिला बड़वानी में स्थित है। हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातीय नायकों के शहीद स्थलों पर शहीद मेलों का आयोजन भी किया जाता है। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस पर 20 मार्च को बालपुर जिला डिंडौरी में शहीद टंटिया भील की स्मृति में 4 दिसंबर को ग्राम बड़ौदा अहिर खंडवा एवं पातालपानी जिला इंदौर में, और भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में 15 नवंबर को ग्राम डगडौडा जिला उमरिया में, यानी आज जो उमरिया जिला का ग्राम डगडौडा है यहाँ पर शहीद मेले का आयोजन भी किया जाएगा। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 24 जून को मंडला में, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर 18 सितंबर को जबलपुर में, तथा विभिन्न जनजातीय शहीदों की स्मृति में 9 अक्टूबर को ग्राम टूरिया जिला सिवनी में शहीद मेलों का आयोजन किया जाता है। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर से होते हैं, और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 92वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो आरुष पाटीदार की आई है, सेकंड रैंक आरती कुशवाहा की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो सूरज शर्मा की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सीप अंबर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कब किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 12 नवंबर को। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये कहां से किया गया है? तो ये नरसुल्लागंज से किया गया है। देखिए नरसुल्लागंज किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कल मैंने आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट बता दिया था, नरसुल्लागंज सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ओबेदुल्लागंज कहां पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के विवेक सागर प्रसाद को किस खेल के लिए देश के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया हॉकी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर
ए। और देखिए दोस्तों, विवेक सागर प्रसाद की बात करें हम, तो इनको 2018 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को। इसके बाद 2020 का इनको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार। तो विवेक सागर को 2020 का विक्रम पुरस्कार भी मिला है, फिर इसके बाद 2021 का अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टार्स अवार्ड 2021 के जो राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर से भी किसे सम्मानित किया गया है, विवेक सागर को मिला है पुरुष वर्ग में। ठीक है, तो याद रखिएगा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है, विवेक सागर प्रसाद को। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विवेक सागर को DSP की पद पर नियुक्ति भी दी गई है। अभी जो उड़ीसा में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होना है, तो उसमें भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये भी विवेक सागर को बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ बात करें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी और इसमें सम्मान राशि कितनी दी जाती है, तो 15 लाख रुपये दी जाती है। ठीक है, और पहले इसकी सम्मान राशि थी कितने रुपये थी, 5 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और बात करें हम यहाँ पर हॉकी की, तो हमारे मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश महिला हॉकी की एकेडमी कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। और मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 2007 में की गई थी। और मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये 2006 में की गई थी। बात करें मलखम की, तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। राजकीय खेल घोषित कब किया गया था दोस्तों, 2013 में किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश की मलखम एकेडमी है, ये कहाँ पर है, उज्जैन में है। यहाँ पर नीलकांत शर्मा का भी नाम याद रखिएगा, नीलकांत शर्मा हमारे मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी के सदस्य रह चुके हैं, तो इनको भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये दोनों अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, तो इसमें भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता था। तो नीलकांत शर्मा और विवेक सागर दोनों ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। किस जिले की स्मिता बैनर्जी सम्मल को दुबई में ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किस जिले की है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंदौर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में भोपाल के सोमदत्त शास्त्री का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, तो इनका संबंध है पत्रकारिता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता। और बात करें हम यहाँ पर समाचार पत्र की, तो देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, बंगाल गजट था। ठीक है, और इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1780 में। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, तो ये अखबार ग्वालियर था। ठीक है, याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था, अखबार ग्वालियर था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1840 में की गई थी। ठीक है, अखबार ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी, 1840 में की गई थी। और ये किस भाषा में था, तो उर्दू भाषा में था। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश का हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, तो ये मालवा अखबार था। और मालवा अखबार की स्थापना कब की गई थी, 1848 में की गई थी। तो याद रखिएगा अखबार ग्वालियर की स्थापना 1840 में की गई थी, इसके बाद मालवा अखबार की स्थापना 1848 में की गई थी। अखबार ग्वालियर उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला था, और जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था वो मालवा अखबार था। अखबार ग्वालियर का प्रकाशन स्थल कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। और मालवा अखबार का प्रकाशन स्थल कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताया था। ठीक है, तो आज पूरा डिटेल में बताएंगे इसे। तो ये कब करेंगे दोस्तों, 15 नवंबर को करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा, 15 नवंबर को किया जाएगा। और देखिए आज ही के दिन जो मध्य प्रदेश राशन आपके द्वारा योजना है, इसका भी शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आनुवांशिक रोग सिकल सेल और इसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का गठन किया गया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। और सिकल सेल मिशन में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी के विकारों से पीड़ित लोगों को स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित की जाएगी। और मिशन के जरिए प्रदेश के 27 जिलों के 115 विकास खंडों में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की जांच और रोकथाम के लिए
पाँच वर्षों में 1,50,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रथम चरण में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के दो जनजाति बहुल जिलों, कौन कौन से, एक तो झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है, झाबुआ से ही अलग होकर बना था अलीराजपुर पर पायलट प्रोजेक्ट में 8,26,000 गर्भवती महिलाओं और 6 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों की सिकल सेल स्क्रीनिंग जाँच की जाएगी और पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2021 से मई 2022 तक संचालित होगी। तो सिकल सेल है क्या? तो ये एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी को लाल रक्त कोशिकाओं में विकार के कारण एनीमिया होता है, जिसकी वजह से वैसोऑक्लूसिव क्राइसिस, फेफड़ों में संक्रमण, एनीमिया, गुर्दे और यकृत की विफलता और स्ट्रोक आदि जटिलताएं होती है और तकलीफ बढ़ती है, साथ ही मृत्यु की संभावना भी रहती है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में श्री विश्वास सारंग, ये हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक कैलाश प्रवाह, राजनीति से राजनीति, ठीक है, कैलाश सारंग विश्वास सारंग जी के पिताजी थे, तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। देखिए विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट है, जबलपुर हाईकोर्ट, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये कुंजीलाल दुबे थे। मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे पट्टाभि सीतारमैया। तो हाल ही में कैलाश प्रवाह, राष्ट्रनीति से राजनीति का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, और इसके लेखक कौन है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा रविंद्र भवन परिसर में स्वर्गीय श्री कैलाश सारंग जी के प्रथम पुण्यतिथि पर भजन संध्या कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने स्वर्गीय श्री सारंग द्वारा लिखित पुस्तक कैलाश प्रभाव, राष्ट्रनीति से राजनीति का विमोचन भी किया, और साथ ही हिंदू दर्शन एवं शोध संस्थान और ध्यान केंद्र एवं कैलाश प्रसून सारंग नुस्टिक सेंटर का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया। उसने हमारा, किस जिले में राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को ग्वालियर के महाराजवाड़ा स्थित टाउन में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय ध्रुपद समारोह 2021 का शुभारंभ किया, और ध्रुपद समारोह 13 से 15 नवंबर 2021 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे टाउन हॉल में आयोजित होगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा, और इसके साथ ही विख्यात संगीतज्ञ बैजू बावरा की याद में भी ग्वालियर में आयोजन होगा। क्वेश्चन है हमारा, उलगुलान एक क्रांति का डिजिटल रिलीज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुलान एक क्रांति फीचर फिल्म को डिजिटल रिलीज किया है। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर डिजिटल रिलीज किया गया है, और निवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता श्री नितेश भारद्वाज, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री अशोक शरण, आयुक्त जनसंपर्क विभाग के डॉक्टर सुदामा खाड़े उपस्थित थे, और श्री अशोक शरण ने जनजातीय जीवन पर लगभग 200 लघु फिल्मों का निर्माण किया है, और यह फिल्म भगवान बिरसा मुंडा के कर्म क्षेत्र खूंटी झारखंड में शूट की गई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस फिल्म को डिजिटल रिलीज कर रहा है। फिल्म के लेखक पद्मभूषण एवं पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष श्री कड़िया मुंडा है। तो भारत की जनजातियों के लिए यह सम्मान की बात होगी कि वह इस फिल्म के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को देख और समझ सकेंगे। और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये महादजी सिंधिया ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महादजी सिंधिया। और देखिए सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रानोजी सिंधिया। और ग्वालियर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादजी सिंधिया जी के द्वारा की गई थी। तो मध्य भारत के पहले राजप्रमुख के रूप में शिवाजी राव सिंधिया ने शपथ ली थी। और दोस्तों शिवाजी राव के पुत्र कौन थे? माधवराव सिंधिया जी थे। और इनके पुत्र कौन है? माधवराव सिंधिया जी के पुत्र कौन है दोस्तों? तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है। और देखिए दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो तो उसको एक बार कॉपी कर लीजिए, अगर आंसर डिलीट हो जाता है तो उसको या तो टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। तो आज के लिए आपका करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में सागर के श्री कपिल तिवारी को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, और यह श्री कपिल तिवारी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।